अध्याय एक। एकाग्रता मेरा सूत्र वाक्य है। पहले ईमानदारी, फिर मेहनत, फिर एकाग्रता। एंड्रू कार्नेगी। प्रख्यात अमेरिकी उद्योगपति तथा स्टील किंग एंड्रू कार्नेगी अपने युग के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। बहरहाल, स्कॉटलैंड में जन्मे कार्नेगी को स्कूली शिक्षा नसीब नहीं हुई थी। 13 वर्ष की उम्र में वे सफल होने का सपना लेकर अमेरिका आए। सबसे पहले उन्होंने पेंसिल्वेनिया में एक सूती मिल में मजदूरी की। उन्हें हर सप्ताह $1.20 मिलते थे। कार्नेगी के मन में सफलता का सपना था, इसलिए उन्होंने नई चीज़ें सीखने तथा नए अवसर तलाशने का निरंतर प्रयास किया। टेलीग्राफी सीखने की वजह से उन्हें पेंसिल्वेनिया रेल रोड में प्राइवेट सेक्रेटरी तथा टेलीग्राफर की नौकरी मिल गई। उनकी लगन, सीखने की आदत तथा मेहनत की बदौलत उन्हें प्रमोशन मिलते चले गए और वे पीटर्सबर्ग क्षेत्र के सुपरिटेंडेंट पद बन गए। उनके मन में अपना खुद का बिजनेस करने का सपना था, इसलिए वे पैसे बचाकर निवेश करते रहे। पुलमैन पैलेस कार कंपनी तथा तेल के क्षेत्र में उन्होंने जो निवेश किया, उससे भी इतने अमीर हो गए कि उन्होंने नौकरी छोड़कर खुद की स्टील कंपनी शुरू की। नई मशीनों तथा नई तकनीकों की बदौलत कार्नेगी ने इतनी तरक्की कर ली कि वे एक के बाद एक कंपनी खोलते गए। 1901 में उन्होंने अपनी कंपनी $25 करोड़ में बेच दी और रिटायर हो गए। अपने जीवन काल में एंड्रू कार्नेगी ने $35 करोड़ से अधिक की संपत्ति शिक्षा, संस्कृति तथा शांति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को दान में दे दी। कार्नेगी शून्य से शिखर तक इसलिए पहुंचे क्योंकि वे लगातार सीखते रहे और भविष्य के लिए खुद को तैयार करते रहे। धन्यवाद।